पूजा करते समय हमें जिस नियम का सबसे पहले पालन करना चाहिए वो है पंचदेवता की पूजा। पंचदेवता की पूजा हमको रोज़ करनी चाहिए, जो कि हैं श्री गणेश जी, सूर्य भगवान, भगवान शिव, श्री विष्णु भगवान और माँ दुर्गा। श्री गणेश भगवान की पूजा किसी भी पूजा में सबसे पहले की जाती है, तभी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। सूर्य देवता हैं जो 9 ग्रहों के राजा माने जाते हैं। 9 ग्रह हमारे जीवन में हमें हमारे अच्छे और बुरे कर्म का फल देते हैं, इसलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान शिव और भगवान विष्णु हमारे रचयिता हैं और पालनहार माने जाते हैं, तो उनकी पूजा भी हमें रोज़ करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा सबसे अंत में की जाती है, क्योंकि वह जगत जननी है, जगदम्बा है, इसलिए उनकी पूजा अंत में होती है। इन सब के अलावा हमें हमारे पूर्वज और कुल देवता को भी प्रणाम करना चाहिए, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा हमें पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक दीपक भी जला के पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो हमें पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार का अर्थ होता है कि पहले भगवान को स्नान करवाना चाहिए, फिर धूप, दीप, चंदन, प्रसाद चढ़ाना इत्यादि। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक करिए, साथ में सब्सक्राइब भी करिए।